गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लैटिनो अमेरिकन रिट्रीट की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 14 देशों से जुटे लोग, स्रोत की ओर लौटना विषय पर विशेषज्ञों का मंथन। इंटरनेशनल हाई डेलीगेशन क्रिश्चियन बिशप एवं प्रीस्ट ने ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय का किया अवलोकन, राजोगिनी दादी रतन मोहिनी से की मुलाकात। इंदौर में मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान का भव्य स्वागत, ज्ञान शिखर में अभिनंदन समारोह में युवा शक्ति को जागृत कर भारत को स्वर्णिम बनाने का आह्वान। और आखिर में पड़ोसी देश नेपाल के बीरगंज में निकाली गई परमात्मा अनुभूति शांति पद यात्रा, भारत के कई हिस्सों में भी बुराइयों का दान करने का आह्वान। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से, जहां लैटिनो रिट्रीट की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष 2020 की थीम रही रिटर्न टू द सोर्स। लैटिनो अमेरिकन रिट्रीट में 14 देशों से लगभग 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें आंतरिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रहा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। 5 दिवसीय इस रिट्रीट के चलते संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ब्राजील से आए बीके केन तथा बीके लुसियाना, अर्जेंटीना की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मोयरा एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने आयोजित विषय को लेकर अपने विचार रखे। When we think we are body, then movement starts. That movement may also be peace-giving, but it can also result in disturbance. इसी क्रम में मैजिक ऑफ मेडिटेशन थीम पर अनुभव युक्त राजयोगा मेडिटेशन रिट्रीट आयोजित हुई, जिसे संबोधित किया बीके केन ने। इस दौरान उन्होंने द रियल मी यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप पर गहराई से चर्चा की और बताया कि किस तरह स्वयं को समझने से सब कुछ सरल हो जाता है। ईसाई पुरोहितों एवं बिशप के एक समूह ने पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन का दौरा किया। भारत समेत यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों से आए 25 ईसाई पुरोहित एवं 5 बिशप के इस समूह ने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात की, जहां दादी जी ने ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करते हुए एक ईश्वर एक परिवार का संदेश दिया और ईश्वरीय सौगात भेंट की। दादी जी के साथ बातचीत के दौरान इस समूह ने अपने विशेष अनुभव को साझा किया और ब्रह्मा कुमारीज के सेवाओं की भी प्रशंसा की। इसी के चलते ग्लोबल हॉस्पिटल की बीके डॉक्टर बिनी ने सभी को शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल समेत अन्य स्थानों का भी भ्रमण कराया। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान के इंदौर पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान शिखर में अभियान यात्रियों का भव्य रूप से स्वागत हुआ। इस उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल, मेडिकेप्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आरसी मित्तल, पूर्व कुलपति डॉक्टर मानसिंह परमार, इंदौर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमन बजाज, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, फरीदाबाद की बीके पूजा एवं अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अभियान के प्रति अपने विचार साझा किए, वहीं बीके हेमलता ने भी अपनी शुभाशाएं व्यक्त की। आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, खुद के ऊपर संयम कैसा रखें और दूसरों से व्यवहार कैसा करें, यही एक उद्देश्य ब्रह्म कुमारी परिवार का है। देखिए, मानवता तो जगानी पड़ेगी, मानवता है, परंतु हम उससे लुप्त होते जा रहे हैं। उसको हमको खोल के बात करके, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत है। आपका चुप रहना या आपका गुस्सा होना समाधान नहीं है। भारत सोने की चिड़िया की हम उपाधि देते आए हैं विश्व पटल पर। ये सोने की चिड़िया का जो तात्पर्य है, ये धन धान्य से नहीं है, बल्कि भारत के मूल्यों से है, भारत की संस्कृति से है, जो हमें
पूरे विश्व में सबसे अलग पहुंचाती है। जो राजयोग की शिक्षा दी गई, उस राजयोग की शिक्षा द्वारा हमारे अंदर शक्ति आई, जिससे हम आत्माओं ने इन विकारों पर जीत प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में सुप्रसिद्ध कथक गुरु डॉक्टर रागिनी मखर द्वारा तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके पश्चात शहर में भव्य शिव संदेश युवा जागृति सद्भावना रैली भी निकाली गई, जहां सामाजिक एवं युवा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अभियान यात्रियों का स्वागत किया। इस रैली में सर्वधर्म सद्भाव, स्वर्णिम भारत एवं जीवन में स्वच्छता को अपनाने का संदेश देती हुई 3 झांकियां सजाई गई थी तथा प्रेरणादायी स्लोगन के माध्यम से नशा व व्यसनों से मुक्त होने का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी बस अभियान के द्वारा 3 मार्च तक इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब खबर नेपाल की है, जहां बीरगंज में परमात्मा अनुभूति शांति पदयात्रा तथा स्वर्णिम युग उदय विषय पर आध्यात्मिक प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ विधायक रागिनी वर्णकाल तथा महापौर विजय सरावगी द्वारा संपन्न हुआ। वहीं प्रवचन कार्यक्रम में आए सांसद प्रदीप यादव ने कहा कि संपूर्ण विश्व में शांति, भाईचारा और समानता का संदेश फैलाकर मानवता का पाठ पढ़ा रही है ब्रह्मा कुमारीज। जन अपन प्रवचन इस समाज के अगाड़ी हमनी के अगाड़ी देनी है। ये प्रवचन हर एक गांव, हर एक टोल में ओम शांति के माध्यम से पहुंचाए, हम अपने से आग्रह करें। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना समेत अन्य अतिथियों में सभासद भीमा यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय द्विवेदी, नेपाल नेत्र ज्योति महासंघ के उपाध्यक्ष श्याम पोखरेल, बीरगंज वड़ा नंबर 12 के अध्यक्ष रामदर्श कुशवाहा मौजूद थे। रायपुर के शांति सरोवर का शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला सभी के लिए दर्शनीय रहा, जिसका अवलोकन करने आए गृह सचिव अरुण देव गौतम ने कहा कि यह मेला सभी लोगों के लिए रोचक एवं दर्शनीय है। इस मेले के माध्यम से जीवन की अनेक समस्याओं का अध्यात्म के द्वारा समाधान करने की प्रेरणा मिलेगी। मेले में लाइट एंड साउंड के माध्यम से प्रदर्शित द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन और चैतन्य देवियों की झांकी बहुत ही अद्भुत और देखने लायक थी। वहीं स्वर्ग की अनुपम झांकी को भी अतिथियों ने खूब सराहा। इसी क्रम में महाराष्ट्र के उल्हासनगर में त्रिदेव शिव दर्शन कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें महाशिवरात्रि के रहस्य की झांकियों के साथ साथ त्रिदेव शिव लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, जो दर्शकों के लिए बहुत खास रहा। इस शो में परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी रचनागर हैं, यह दर्शाया गया। इसके साथ ही लोगों के लिए शिव ध्यान कक्ष भी बनाया गया था, जहां सभी ने बैठकर शांति का अनुभव किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक कुमार आयलानी, रिजेंसी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष महेश अग्रवाल, बीजेपी वरिष्ठ नेता शीतलदास हरचंदानी, एडवोकेट सोने, शांति प्रकाश योगेंद्र से हरेश हिमनानी, साई बाबा सेवा समिति से प्रेम भाटिया, नगर सेवक राजू जग्यासी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कदम द्वारा किया गया। उस पिता परमात्मा की परिचय में मैं ये कहूंगी कि जिसकी इतनी सब महिमा कर रहे हैं, उस पिता परमात्मा को नजदीक से और वास्तविकता क्या है उसको पहचान लीवे। इसी तरह देश के अन्य कई राज्यों में महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गुवाहाटी के रूपनगर, हरियाणा के सिरसा, बेंगलुरु के यलंका न्यू टाउन द्वारा भी 84वीं महाशिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम संपन्न हुए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली थीम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, पूर्व महापौर अंजलि ताई घोटेकर, पूर्व उप महापौर अनिल फूलछेले, पूर्व मंत्री नरेश फूलगिया मौजूद हुए, जहां प्रभारी बीके कुसुम ने बताया कि समाज की विकृतियों का समाधान सकारात्मक जीवन शैली है। ये महान संस्कृति ज्यामध्ये आपणच म्हणतो की ईश्वर एक आहे, आपणच म्हणतो की वसुदैव कुटुंबमचा जो आपण संदेश देतो, जगातील सर्व देशात राहणारा नागरिक हा आमचा बंधुभाव, हा आपला संदेश आपण देत असतो। इस उपलक्ष्य में शहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई रैली में बाइक चालकों समेत कलश लेकर माताओं और बहनों ने भी हिस्सा लिया। वहीं विकारों की आहूति तथा सर्वधर्म के सुंदर झांकी भी रैली में सम्मिलित रही।
असम के गुवाहाटी में भव्य तरीके से पर्व मनाया गया, जहां सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी बीके शीला ने केक कटिंग की और सभी ने खुशियां मनाई। वहीं शहर में आध्यात्मिक जागृति बाइक रैली का भी सफल आयोजन रहा, जिसका शुभारंभ सांसद क्वीन ऊर्जा द्वारा संपन्न हुआ, जहां उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस रैली के जरिए 20 गांवों में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाकर परमात्मा शिव का संदेश दिया गया। वहीं व्यसन मुक्ति एवं ईश्वर का ठिकाना पर नुक्कड़ नाटक की भी विशेष प्रस्तुति ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जहां उन्हें नशे से दूर रहने की सीख मिली। हरियाणा के सिरसा में आनंद सरोवर में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आरवी सोलंकी तथा कलानवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने विशेष तौर पर शिरकत की। इसके अलावा शांति सरोवर और एंजल हाउस में भी शिव ध्वज फहराया गया और केक कटिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे ईरा फेज वन में आयोजित हुए कार्यक्रम में पाशा सुनील बहल तथा ईरा सोसाइटी के प्रधान शगनजीत सिंह गिल मुख्य रूप से शामिल हुए। बेंगलुरु के यलहंका न्यू टाउन तथा ओल्ड टाउन समेत कोदिगे हल्ली, रामागोन दाना हल्ली, अतुर लेआउट, मारुति नगर, नवरत्ना अग्रहारा, थीमा संद्र उप सेवा केंद्रों में कार्यक्रम संपन्न हुए, जहां विशेष रूप से शिव ध्वजारोहण समेत दीप प्रज्वलन तथा संस्था की प्रमुख दादियों का संदेश सुनाने समेत परमात्मा शिव का संदेश सुनाया गया। इन कार्यक्रमों में वार्ड नंबर 4 के पार्षद एम सतीश समेत शहर की अन्य कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हुई और अपने अनुभव साझा किए। यूपी के मऊ में जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि परमात्मा शिव तमोगुण और तामसिक वृत्तियों का नाश करने वाले हैं। आगे राजकोट के मेहुल नगर में शिव रथ यात्रा, अमरनाथ पर्वत, 1,84,000 साबुदाने से सुशोभित शिवलिंग दर्शन, शिवाभिषेक, शिव ध्वजारोहण, शिव शंकर का रहस्य दर्शाती चैतन्य झांकी का विशेष आयोजन रहा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत सीजे ग्रुप के सहयोग से सर्व रोग निदान और दवा फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वसंत नगर में रोटरी क्लब इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट पीयूष फतेहपुरिया ने शिरकत की, तो गोवा के पणजी में 5 दिनों तक लगातार मानसिक अवसाद पर मेगा प्रदर्शनी और वार्ता का आयोजन रहा। इस प्रदर्शनी में 108 शिवलिंग दर्शन प्रमुख थे। जयपुर के राजा पार्क में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉक्टर कैलाश चंद्र अथवासिया ने अपने संबोधन में बताया कि ब्रह्मा कुमारीज में दिव्य गुणों में वृद्धि करना सिखाया जाता है और नकारात्मकता को कम करना। इस दौरान नाटक की प्रस्तुति समेत गुब्बारों में शिव संदेश बांधकर आसमान में उड़ाए गए। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती की विशेष मौजूदगी रही। नवी मुंबई स्थित सीबीडी बेलापुर घनसौली उल्वे में ईश्वरीय संदेश देने हेतु शांति पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 400 से अधिक बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि पाटिल तथा बौद्ध विहार मंदिर के अध्यक्ष रमेश बंसोड़े एवं अन्य कई विशिष्ट जन मौजूद हुए। गुजरात के भरूच से झाड़ेश्वर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका वीके शिवानी के पहुंचने पर केयरिंग इज हीलिंग एवं संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों समेत शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शरीक हुई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में आई निगम पार्षद हिमांशी पांडे तथा गणेश मंडल अध्यक्ष महेंद्र लड्डा ने अपने अनुभव सुनाए। वहीं हरिनगर में विधायक राजकुमारी ढिल्लो को सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। आगे शहर में बैंड बाजों के साथ झांकी निकाली गई। पंजाब के जालंधर स्थित ग्रीन पार्क सेंटर में शिव पार्वती और गणेश जी की चैतन्य झांकी के सभी ने दर्शन किए। महाराष्ट्र के राहुरी में त्रिमूर्ति ज्योतिर्बिंदु शिव मैराथन संपन्न हुई। इसी तरह बार्षी सेवा केंद्र पर विधायक राजा भाव राउत, लॉयंस क्लब बार्षी रॉयल के अध्यक्ष संतोष गुलमेरे एवं सोनल गुलमेरे विशेष तौर पर आमंत्रित थी। दूसरा कार्यक्रम बार्षी के श्री रामेश्वर मंदिर में किया गया, जहां पूर्व विधि व न्याय राज्य मंत्री दिलीप राव सोपल ने अपनी शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर में विधायक चैतन्य कश्यप, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा ने शिव ध्वजारोहण किया। आगे नजरबा कॉलोनी में बीके सीमा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। मंडला में सभी ने विकारों पर जीत पाने का संकल्प लेते हुए प्रतिज्ञा की। नरसिंहपुर में भी हर्षोल्लास के साथ सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने पर्व मनाया और हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रतिज्ञा की। नीमच में द्वादश ज्योतिर्लिंग बर्फानी बाबा, भारत माता की विशाल झांकियों के हजारों लोगों ने दर्शन किए। अतिथियों में न्यायाधीश आरपी शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जैन तथा अन्य कई विशिष्ट जन मौजूद हुए।
इंदौर के गंगोत्री विहार में शिव ध्वज फहराकर सभी ने परमात्मा शिव को याद किया और उनकी श्रीमत पर चलने का संकल्प लिया। हैदराबाद के सिकंदराबाद में मरेडपल्ली सेवा केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय आध्यात्मिक प्रदर्शनी तथा परमात्मा की छत्र छाया की संकल्पना और शांति का अनुभव करने के उद्देश्य से ध्यान कक्ष बनाया गया था। प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण रहा शिवलिंग, जिसका उद्घाटन पशुपालन, मत्स्य और छायाकान के मंत्री तलासनी श्रीनिवास यादव द्वारा किया गया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े रहने की खुशी व्यक्त की और संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं को सराहा। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश वी शुरैया भी विशेष तौर पर मौजूद थे। राजकोट के अवधपुरी में महाकालेश्वर शिवलिंग दर्शन तथा 84 प्रकार का भोग तैयार किया गया। वही कई गांवों में रैली निकालकर स्थानीय लोगों को परमात्म संदेश दिया। झारखंड के बोकारो में SPP मुरुगन ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद थे। हरियाणा पानीपत के मॉडल टाउन में भी कई प्रमुख अतिथियों समेत विदेशी बीके सदस्यों की मुख्य उपस्थिति रही, जहाँ सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। इंदौर के मूसाखेड़ी में नन्हे बच्चों ने सेवा केंद्र पर प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि शिव उपासकों का दर्शन करना ही शिव दर्शन है। आगे शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसी प्रकार जयपुर के सूर्यनगर में पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा हुई। आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।